मुझे ना आप बहुत पसंद हो। मैंने तो पहली नजर में आपको पसंद कर लिया था, जैसी फोटो देखी थी वैसे ही। मुझे छूना मत। क्यों? वो मैंने ना मन्नत मांगी थी कि अगर मेरी आपसे शादी हो जाएगी ना तो मैं 2 दिन तक आपसे दूर रहूंगी। ये कैसी मन्नत है? अच्छा वैसे आपको मैं इतना पसंद आ गया क्या कि आपने इतनी बड़ी मन्नत मांग ली मेरे लिए? वैसे आपको क्या पसंद आया मुझमें जो आपने झट से आकर दी? वो ना मेरे पापा ने बताया था कि आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है तो इसलिए मैंने आपसे शादी के लिए हाँ कर दी। पापा सही है, पढ़ते लिखते चीज भी मिलेगी। वैसे आप मेरे को बहुत पसंद हो, आप काफी सुंदर हो। थैंक यू। मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। वाओ ये कितना सुंदर है, थैंक यू। वैसे आप आज बाहर सो जाते सोफे पे? क्या सोफे पे यार इतनी ठंड में? हाँ वो मैंने मन्नत मांगी है ना। सच में? यार परंपरा भूल गया है क्या? अरे क्या होगा बेबी, चिड़चिड़ी क्यों हो रही है? बीवी की तो नहीं आई ना? पागल है क्या? तो फिर ये क्या बकवास कर रही है? वो तो मैंने पी लिया। पर वो तो मेरा था ना। पर जरूरत तो मुझे थी ना। यार एक तू ये घूंघट घूंघट हटा के बात कर, कंसंट्रेशन बिगड़ रही है। यार नहीं माना मैंने, हमारी लव मैरिज है पर हम रस्में तो सारी निभाएंगे ना। ला मेरा गिफ्ट ला। गिफ्ट? वो तो मैं भूल गया। भूल गया? अरे मेरी माँ, मतलब मैं गिफ्ट अंदर लाना भूल गया। अच्छा जा ले। क्या यार कितना झंझट है ये सब कुछ, और ये लहंगा मुझसे भी भारी है, ऊपर से वो हील्स। शादी कर लो, शादी कर लो, लो होगी शादी। हाँ बेबी फाइनली मेरी शादी होगी। एक मिनट, तूने लहंगा क्यों उतार दिया? मुझसे नहीं होती ये सब फॉर्मेलिटीज। हाँ बड़ा ही प्यारा यार। चल ये सब तो ठीक है, ये पकड़ फोन, रील्स बनाते हैं। रील्स? चूड़ी घंटे। आज तुम्हारे स्वागत है ना, आर फर्स्ट नाइट। तो कौन सी पहली बार है? नहीं ना, चल रील्स बना और अच्छी सी फोटो लियो, अच्छी आनी चाहिए हमारी। अरे यार ये फिल्टर वाली ने दिमाग खा लिया। यार ठीक है? हाँ। एक काम कर, वहां से ले ना। बेबी बस यार मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ। हॉली हॉली अरे मम्मी चाय दे दो। लगता है बीवी जी आज कुछ ज्यादा रोमांटिक हो रखी है।
हौसलों में कहीं पर लिखा है तेरे नाम को, ख्वाहिशों से जुड़े सिलसिलों में कहीं, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे, ख्वाहिशें मिलने की तुमसे रोज होती है नई, मेरे दिल की जीत मेरी बात बन गई। ये वो कहाँ गया? मैं बेड के नीचे क्या कर रहा हूँ? अबे ओ कुंकण के लाद उठ यार, सुबह हो गई यार। क्या तेरा सुबह सुबह और बाप का बच्चा, सारी रात नीचे सुलाया तूने मेरे को, अब भी चाहती है मैं नीचे पड़ा रहूं? तो क्या मार रही है बेवकूफ ना यार, मेरे लिए चाय बना ला यार। यार बेबी एक काम करना प्लीज, तू कॉफी बना ला ना। क्या मैं? तेरे को पता है शादी के बाद ना पत्नियां सेवा करती है पति की, और तू यहाँ मुझसे काम करवा नहीं सोच रही है? तू जा रहा है नहीं जा रहा है? जा रहा हूँ बेबी, नाराज क्यों? चश्मा तो लगा लू और चीनी ज्यादा डालना ना। जी वो मैंने घर का सारा काम तो कर दिया, पर आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या आप मेरे कान्हा जी को नहला दोगे? हाँ जी। ओए तूने घर में क्या हाल बना रखा है यार? तुझे पता तो है आई एम ऑन पीरियड, आज प्लीज एडजस्ट कर ले, खाना भी तू ही बना दियो प्लीज। शिट यार मैं कैसे भूल गया, सॉरी बेबी। एक काम कर तू रेस्ट कर ठीक है, और ना तुझे किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे बता दियो, टेंशन बिल्कुल मत लियो, मैं घर का काम कर दूंगा और हाँ खाना भी मैं ही बना दूंगा। तू खा ब्लैंकेट ओढ़ के रख, बात बहुत ठंडी हो रखी है ठीक है। और सूप पिएगी? हाँ मैं भी बना के लाता हूँ ठीक है। अरे आप, आपको कुछ चाहिए था क्या? आवाज लगा देते मैं आ जाती। अरे नहीं नहीं वो क्या हुआ? वो ना मेरे दोस्त आ रहे हैं शाम को खाना खाने, तो हाँ तो बुला लो ना। अब कोई इश्यूज तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं मैं सब मैनेज कर लूंगी, आप बुला लो। ठीक है थैंक यू। अरे वाह भाभी जी आपने क्या खाना बनाया है, मन करता है चम्मच के साथ साथ आपके हाथों को भी चूम लूं। बेबी बेबी वो बेबी बोलोगे या आगे भी कुछ बोलोगे? वो छोड़ो, ये कैसे लग रहे मेरे हाथ? आज ही मैंने मैनीक्योर करवाया है, एक काम करो ना तुम नेल पेंट लगा दो मुझे। यार इसने आज ही मैनीक्योर करवाया, तो खाना बनाने को बोला
जीते जी मुझे खा जाएगी। हाँ लगा रहा हूँ बेबी। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? रुको, मेरा हाथ खराब कर दोगे। दो इधर, मैं खुद लगा दूंगी। तुम कुछ कह रहे थे क्या? यार बेबी वो कह रहा था ना मेरे कजिन आ रहे हैं शाम को डिनर पे, प्लीज इनके लिए खाना बना देना। एक सेकंड, तुम्हारे कजिन डिनर पे आ रहे हैं? तुमको पता मैंने आज ही मैनेजर करवाया, अभी मैंने बताया, मेरे सारे हाथ खराब हो जाएंगे यार। और मैं मैगी तो ढंग से बना नहीं पाती हूँ, खाना कैसे बनाऊंगी? यार सुनो सुनो यार, मैंने मम्मी को बोला था कि वो नहीं कर पाएगी, वो उससे खाना नहीं बनता है, लेकिन मम्मी ने कहा, मम्मी ने प्लीज बोला तो मैं पिघल गया यार, मैंने बना नहीं कर पाया, तो प्लीज यार प्लीज प्लीज। तुम्हारा मतलब मुझे काम नहीं करना आता, मुझे खाना बनाना नहीं आता है ना? अरे नहीं बेबी, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था तुम्हारा? मैं यही कह रहा था कि आप यूट्यूब से देख के बना देना ना। हाँ यार ये हो सकता है। अरे नहीं यार, तू काले नमक की जगह काली मिर्च डाल देगी और नमक की जगह चीनी, तू रहने दियो। तो क्या करें अब? हाँ हमने बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं बेबी। हाँ ये ठीक है, उनको पता भी नहीं चलेगा, वो लोग हाथ चाटते रह जाएंगे और आपकी तारीफ की तारीफ हो जाएगी, मम्मी का दिल भी रह जाएगा। ठीक है पर बर्तन ना तुम ही धोगे। क्या मैं? अरे बेबी आप एक काम तो कर लो प्लीज ना बेबी प्लीज। हाँ ठीक है बेबी। यार तुमको पता है मैं कितनी लकी हूँ ना, मेरी शादी ना तुमसे हुई है। और मैं पता नहीं कहाँ फंस गया। कुछ कह रहे हो क्या? अरे हाँ मैं कह रहा हूँ कि मैं धो दूंगा ना बर्तन, धो दूंगा मैं। चले फिर। हेलो, हाँ जी, जिन्होंने मेरा रिश्ता करवाया था, हाँ रिश्ते वालों, उनका ऑफिस आजकल बंद रहता है एक्चुअली, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ओह क्या हो गया? कुछ नहीं, वो चोट लगी शायद। ध्यान नहीं रख सकते? हाँ मैं थोड़ी देर में आपको नंबर सेंड कर रहा हूँ। अरे थोड़ी सी चोट लगी है यार। चलो मैं आपको दवाई लगा दूँ। हाँ यार आज तो पार्टी में चलेंगे ही चलेंगे, घर के काम वो मैं नहीं करती, वो तो ये कर लेगा। ये रिश्ते वालों को मैं फंस गया, तन कैसी बीवी दी है, सारा दिन काम कराती रहती है। एक तो ऑफिस से काम करो, ऊपर से फिर इसकी सुनो। कुछ कह रहे हो? काम करो। नहीं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो मुंह चला रहा था, आदत है ना मेरी। ओह क्या हो गया यार? इस बार से मेरा हाथ कट गया। चलो बात यार देखो, वैसे तो बड़ा कहता था कि मर्द को दर्द नहीं होता, ये क्या हो गया? एक्सक्यूज मी, मर्द को दर्द होता है जब चोट लगती है, ठीक है ना? आई एम मैन न्यू मैन, और छोड़ दे। अच्छा चल मैं तो अपॉइंटमेंट लगा दूं। एक काम करते हैं, मीटिंग कल की रखते हैं, आज मुझे थोड़ा फैमिली वर्क है तो हम कल करते हैं। हाँ जी जी बिल्कुल, कल का पक्का है। चल काम कल कर लो। चले यार, पता नहीं बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या हो गया? अरे तो क्या हो गया, हम पैदल ही चलते हैं। नहीं यार काफी दूर है, आप परेशान हो जाओगे, मैं काम करता हूँ कैब कर देता हूँ आपके लिए। अरे नहीं क्यों परेशान हो रहे हो, हम पैदल ही चलते हैं, और ऐसी दिक्कतें तो आती रहेंगी ना, हमें तो साथ ही रहना है। भगवान की रहती है सबको। चले हाँ जी बेबी। हाँ जी शर्मा जी, आप ये काम कर रहा हूँ। किसी का फोन नहीं आया तो फोन रख, नाटक कर रहा है यार, मैं ना बहुत बोर हो रही हूँ, चल ना कहीं घूमने चलते हैं। यार मेरे को बहुत सारा काम करना है यार, मैं कहीं नहीं जा रहा, प्लीज। चल ना मूवी चलते हैं। अरे नहीं यार प्लीज ना, मैं नहीं जा रहा। तू पक्का नहीं चलेगा? नहीं तो मैं जा रही हूँ। अरे जा, मैं सच में जा रही हूँ ना। अरे तो जा ना, रोका किसने, जा। मैं पक्का जा रही हूँ। अरे जा
मैं कहीं नहीं जा रही, मैं जाऊंगी ना तो तेरे को साथ लेके जाऊंगी, चल। जिंदगी में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है पीना ही पड़ेगा। हाँ तो चले। अरे बेबी यार, मैंने कल ही सर्विस करवाई थी बाइक की, पता नहीं स्टार्ट क्यों नहीं रही है। धन्नो यार, मुझे ना पहले ही पता था तू मुझे ना नाले जाने के बहाने ढूंढ रहा है। अरे बेबी ऐसी बात नहीं है, मेरे पापा ना सही कह देते, लड़का कुछ खास जॉब तो करता नहीं है, कमा लेता तो गाड़ी ले लेते। अबे तेरे तो कार में घूमने का शौक था, तो बाप को कहती दहेज में गाड़ी देते। मजाक मजाक में बोला था कि अंकल जी मुझे सिर्फ आपकी बेटी बेटी चाहिए, उन्होंने दिल पे ले ली बात, कुछ दिया ही नहीं। तू ना ज्यादा बकवास मत कर, तू रह अपनी बाइक के साथ, मैं जा रही हूँ। ओए कहाँ जा रही है अकेले? रुक मैं भी आता हूँ, अकेले मत जाया करो।